रांची, धनबाद और गोड्डा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा होना बाकी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कोडरमा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं में भरा जोश। उम्मीदवारों की जीत के दिए कई टिप्स। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत का किया दावा। और चैती छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया जाएगा अर्घ्य। झारखंड समेत देश भर में मनाया गया वैसाखी का त्योहार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों रांची, धनबाद और गोड्डा के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। पार्टी की ओर से सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। प्रदेश के नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व के साथ इनकी हुई बैठक में इन तीनों लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। इंडी गठबंधन में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 7, झामुमो को 5, भाकपा माले और राजद को 1-1 सीट मिली है। झामुमो ने अपने हिस्से के जमशेदपुर सीट को छोड़कर गिरिडीह, दुमका, राजमहल और सिंहभूम के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी के प्रत्याशियों की ही घोषणा की है। अभी धनबाद, गोड्डा, चतरा और रांची सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। राजद और भाकपा माले की ओर से भी अपने हिस्से के 1-1 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की जा चुकी है। झारखंड में चुनाव की तिथि नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक कर उनमें जोश भर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज कोडरमा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक कर उनमें जोश भरने का काम किया। मौके पर कोडरमा की पार्टी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव मौजूद थी। बैठक के बाद श्री वाजपेयी ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आर्थिक भ्रष्टाचार में डूबे लोग खुद को बचाने के लिए एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कई सीटों पर उनका प्रत्याशी तय नहीं हुआ है। अगर उसकी एकजुटता को आप एकजुटता मान रहे हैं तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा आप लोगों के बारे में भी। कैसे एकजुटता मान रहे हो यार, अभी तक कैंडिडेट तो तय नहीं है उनके, है कि एकजुटता है। और आर्थिक भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए लोग अपने को बचाने के लिए एक हुए, देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए एकजुट नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सिसई में विधानसभा स्तरीय बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और चुनाव प्रबंधन के कई टिप्स दिए। सिसई में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 100% मतदाताओं का मतदान सुनिश्चित करना कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। लाहौर दग्गा लोकसभा जीतेंगे और सिसई विधानसभा में पिछले बार थोड़ा सा और कसर रह गया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वोट देने के लिए। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी समीर उरांव ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में हुए विकास का जिक्र किया। साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया। हम गांव के अंदर लोगों को किस प्रकार से विकास के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ाएंगे, इस दिशा पर इन्होंने जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ इस राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाया।
इस बूथ स्तरीय सम्मेलन में सिसई विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का दम भरा। इस सम्मेलन में पार्टी के पक्ष में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति भी बनाई गई और कार्यकर्ताओं को उस रणनीति के तहत की प्रचार अभियान चलाने को कहा गया। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के चार दिवसीय दौरे पर हैं। श्री सोरेन ने गम्हरिया के पिंडरा बेरा में आज ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके बाद वे पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कई सलाह दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। हमारा बूथ समिति का सदस्य साथीगण मौजूद थे और आज का लोकसभा आसन्न लोकसभा चुनाव के पक्ष में विचार किया और इस राज्य में 14 के 14 लोकसभा में हम लोग हमारा महागठबंधन जीतेगी। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा है कि परिवारवादी राजनीति के पोषक झामुमो द्वारा अपने पार्टी के लोगों को लगातार लज्जित किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन जैसी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। पार्टी के मीटिंग्स में उनको कोई तवज्जो नहीं मिलता है और अभी एक न्यू कमर है। गुरु जी के परिवार में बसंत सोरेन जी भी अभी मंत्री हैं और एक अच्छे युवराज है, उनको हम लोगों ने विधानसभा में देखा है, उनमें क्षमता भी है, उनको भी साइड लाइन धरा दिया गया। माननीय सीता सोरेन जी को तो अपने हक अधिकार के लिए बगावत ही करना पड़ा है और अपने हक अधिकार के लिए मैदान पे खड़ी है, तो ऐसे समय में ये जनता भी कहती है और जो दुख वो कह नहीं पाते हैं वो दुख हम लोग ब्याह कर देते हैं। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने एक बार फिर झामुमो की कार्यशैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने इसे सही बताया। सही है उनका डिसीजन, क्योंकि अगर पार्टी को सही कि अपना जो नेता है पार्टी से जो इतने वर्षों से बाबा के समय से जुड़े हुए पुराने लीडर है, तो उसको थोड़ा सा मान सम्मान उसको भी चाहिए था। मान सम्मान की कमी के वजह से कई जो जेएमएम के पद में रहने वाले पदाधिकारी भी आज के समय में पार्टी छोड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज अपने खूंटी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पालकोट खंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने 7 गांवों में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने पलामू लोकसभा क्षेत्र की पार्टी प्रत्याशी ममता भुइयां की जीत तय करने के लिए आज डाल्टनगंज में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार यादव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन के टिप्स दिए। सम्मेलन में पार्टी प्रत्याशी ममता भुइयां भी मौजूद थी। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग है। पलामू लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से चुनावी माहौल है और ये उन्हीं का देन उन्हीं का परिश्रम का फल है कि आज हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। वो हमारा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और मेहनती है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी से माल्यार्पण के बाद चुनाव प्रचार में हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएंगे और कल के बाद से ये शुरुआत के तो ड्राउट प्रोन एरिया के लिए विशेष योजना बनाए। ये जीतेंगी तो ये बताएंगी कि हम यहाँ के नौजवानों का बेरोजगारी दूर करें, खनिज आधारित यहाँ पर हम कारखाने लगाएं, अब यहाँ से लोग पलायन करके जाते हैं उसको रोकेंगे, तो पलामू की बहुविध समस्या है।
इंडी गठबंधन का घटक दल और बिहार विधानसभा की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। राजद ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी और पुरानी पेंशन नीति लागू करने का वायदा किया है, जिस पर विभिन्न दलों ने अपनी राय व्यक्त की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने राजद के चुनावी घोषणा पत्र पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के घोषणा पत्रों में काफी विरोधाभास है। देखिए, पहले इनके ही जो घोषणा पत्र है इतना विरोधाभास है। राहुल गांधी 30 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, तेजस्वी 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं, यानी ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, कोई इनमें आपस में समन्वय नहीं है। वहीं गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने राजद के घोषणा पत्र का स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा और झामुमो के तनुज खत्री ने कहा है कि रोजगार देना इंडी गठबंधन की सामूहिक जिम्मेवारी है। उस 5 न्याय और 25 गारंटी में जो युवा 10 सालों में अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं, रोजगार उनसे छीना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी जवाबदेही है। इंडिया अलायंस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ये जवाबदेही बनती है। युवाओं को रोजगार मिले और उस ओर झारखंड की सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, सरकारी नौकरी देने का काम किया, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों द्वारा अपनी जीत के लिए घोषणा पत्र के माध्यम से मतदाताओं से कई वायदे किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब पार्टियां चुनाव पूर्व गठबंधन करती है तो सामूहिक घोषणा पत्र के तहत चुनाव क्यों नहीं लड़ती? यदि उस गठबंधन की सरकार बनती है तो किस पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर कार्यों को अमली जामा पहनाया जाएगा? रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड में कुड़मी को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग का लगातार विरोध हो रहा है। इस कड़ी में आज आदिवासी समाज से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि कुर्मी और कुड़मी समाज की मांग को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो आप एक हाथ में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की भी मांग करते हैं और दूसरी हाथ में आप बोलते हैं कि हम लोग को एससी का सूची में एसटी का सूची में शामिल करें, तो ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, तो इसे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेंगी और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाला समय में कोर्ट में इंटरवेन करेंगे, सड़क से लेकर के सदन में भी ये मांग उठेगी और चुनाव खत्म होगा, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग जोरदार रैली भी करेंगे अगर इनकी मांग को लेकर के ये पीछे नहीं हटते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों तथा विभिन्न संस्थानों में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान की शपथ दिलाई जा रही है। कई जगहों पर मेहंदी, पेंटिंग, नाटक और अन्य गतिविधियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा मानव श्रृंखला, मैराथन दौड़ और रैलियों के माध्यम से भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजधानी रांची में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय से मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेगी। गढ़वा जिले के मेराल में गढ़वा मुरीसेमर पथ पर वाहन के चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक ने 3 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। मौके पर सीओ यशवंत नायक, थाना प्रभारी विष्णुकांत दलबल के साथ मौजूद थे। मामले में सीओ ने बताया कि बरामद की गई राशि मेराल के सीएसपी संचालक धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की है। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत 50,000 रूपये से अधिक नकद राशि लेकर चलना गैरकानूनी है। सीएसपी संचालक ने बरामद राशि को अंचलाधिकारी ने ट्रेजरी में जमा करा दिया है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कमलनाथ
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है खुशाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आज बैकलॉग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 154 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अब मेन परीक्षा में शामिल होंगे। मेन परीक्षा 6 पेपर की होगी, जिसका शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 7341 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। यह परीक्षा विज्ञापन प्रकाशित होने के 7 साल बाद इसी साल 21 जनवरी को हुई थी, जिसमें 1506 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह बैकलॉग परीक्षा कुल 10 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य पुलिस सेवा के 4 पद, राज्य जेल सेवा के 4 पद और राज्य योजना सेवा के 2 पद शामिल हैं। रामगढ़ के भुरकुंडा में छापामारी कर ब्राउन शुगर और गांजा के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पतरातू के SDPO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के बिरसा चौक, मतकमा चौक और पटेल नगर में छापामारी कर 18.86 ग्राम ब्राउन शुगर और 341 ग्राम गांजा के साथ तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 28,000 नगद, इलेक्ट्रॉनिक तराजू के अलावा एक मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद किया गया है। भुरकुंडा चौक पर कुमार अभिजीत उर्फ सनी कुमार को पकड़ा गया, उसके पास से ब्राउन शुगर का पुड़िया बरामद हुआ। इधर उत्पाद विभाग ने बोकारो जिले के बालीडीह ओपी क्षेत्र के मोहनपुर में छापामारी कर 449 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। इसके अलावा 2000 से अधिक खाली बोतल, 12,000 ढक्कन और 3,500 लेबल स्टिकर तथा एक वाहन जब्त किया गया है।
देश में पिछले कुछ महीनों के दौरान खुदरा महंगाई दर में लगातार नरमी का रुख बना हुआ है। इस साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85% के साथ 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आरबीआई ने अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई दर 5% से नीचे रहने का अनुमान लगाया। आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर और कम हो सकती है। तो आरबीआई का महंगाई दर 5% से नीचे रहने का अनुमान जहां वो जताया गया है, खुदरा महंगाई दर में कमी दिखाई दी। आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर में और कमी की संभावना जताई गई है। साथ ही मार्च में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.52% रही। झारखंड और बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों में चैती छठ मनाया जाता है। छठ व्रतियों ने कल नहाए खाए के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत की। आज खरना के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। छठ व्रती कल शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस अनुष्ठान का समापन होगा। आज देशभर में वैसाखी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी रांची के गुरु नानक स्कूल में विशेष दीवान सजाया गया, जहां अमृतसर से आए रागी जत्था ने सबद कीर्तन किया। इस मौके पर लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। यदि मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो उनके दर्शन के लिए मार्ग में कोई भी अड़चन रोड़ा नहीं बन सकता। इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोग हलकान हैं, वहीं इस भीषण गर्मी की परवाह किए बिना झारखंड के दो युवक जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी, अयोध्या में भगवान श्री राम और वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 2100 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकल चुके हैं। गिरिडीह जिले के सरिया के रहने वाले विराट सिंह और धनबाद के निरसा निवासी राहुल चौहान ने 2 अप्रैल को देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कर अपनी यात्रा की शुरुआत की और 12 दिनों की यात्रा पूरी कर कल कोडरमा होते हुए काशी और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। विराट सिंह ने बताया कि वे प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर की पद यात्रा कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जो 2100 किलोमीटर का है और यह यात्रा हम देवघर से स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं पहला दर्शन काशी विश्वनाथ, दूसरा अयोध्या, तीसरा वृंदावन और चौथा माता रानी वैष्णो देवी पे समाप्त होगा। हमारे जो भाई बहनों में, हमारे जो भी परिवार है, हमारे जो भी हैं, सभी कोई बस हम लोग एकजुट है। यही हम माता रानी से मांग के, यही प्रभु से मांगते हैं हमेशा इस यात्रा के दौरान। इस पदयात्रा में शामिल राहुल चौहान बैंक की नौकरी से रिजाइन कर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले हैं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन जगह जगह लोगों के मिल रहे सहयोग से उनका रास्ता आसान होता जा रहा है। जब मैं बैंक में जॉब करता था तो प्लान माता रानी के पास है, जाने का मन हुआ तो प्लान बना, इसलिए रिजाइन कर दिया बैंक में और यात्रा में निकल गए। इन दोनों युवकों का पद यात्रा का मकसद समाज में बटे लोगों को एकजुट करना है। इस यात्रा में भले ही दोनों को कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, लेकिन भगवान के दर्शन की ललक से इनके चेहरे पर कोई सिकन दिखाई नहीं देती। इन यात्रियों ने 2 महीने में अपनी यात्रा पूरी करने का लक्ष्य रखा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। राज्यभर में फसलों की कटाई के बाद मंडा पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में भक्त जलती अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। पुजारी ने बताया कि सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान से पूजा करके अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। एक भक्त ने बताया कि भोले बाबा की कृपा से वे जलते अंगारों को पार कर जाते हैं।
और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से झामुमो को आड़े हाथों लिया है। एक पोस्ट में उन्होंने झामुमो को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा किया है कि मुख्यमंत्रियों को हटाना उसकी परंपरा रही है। मधुकोड़ा के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोल्हान के दूसरे नेता होंगे जिन्हें जल्द मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। एक बार मधुकोड़ा को हटाकर शिबू सोरेन खुद मुख्यमंत्री बने थे, इस बार चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भाजपा ने इंडी गठबंधन की 21 अप्रैल को रांची में प्रस्तावित उलगुलान रैली को भ्रष्टाचार जुटान रैली की संज्ञा दी है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इस रैली का नाम उलगुलान रखना भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अमर शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि उलगुलान का आह्वान अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। राज्य के मंत्री बसंत सोरेन कल होटवार जेल में अपने बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इन दोनों ने हेमंत सोरेन से लोकसभा चुनाव, पार्टी की उलगुलान रैली सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा इंडी गठबंधन के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा हुई। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के साडम भुसाई चंदवारा पारटांड और धर्मू गांव के ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि काफी प्रयास के बाद नगवा NH 33 से इचाक बाजार भाया चंदवारा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसके निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। धनबाद के गोविंदपुर के पॉलिटेक्निक उप डाकघर में हुए लगभग 10 करोड़ रुपए के घोटाले में अब तक आरोपी उप डाकपाल के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ है, जबकि इस घोटाले को सामने आए लगभग 2.5 माह बीत चुका है। आरोपी डाकपाल फिलहाल निलंबित है, लेकिन जांच की कार्रवाई नहीं हो रही है। धनबाद के मैथन डैम पर स्वीप कार्यक्रम के तहत नाविकों के साथ वीडियो फिल्म बनाया गया। यह वीडियो फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर फेम जिशान कादरी के निर्देशन में बनाया गया है। मौके पर 11 कुंड के BDO मधु कुमारी ने कहा कि यह वीडियो फिल्म जिला प्रशासन के निर्देश पर लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष एवं बिना प्रलोभन के मताधिकार के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर के शंख मैदान में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट एवं शंख निर्माण कार्य को लेकर मंदिर समिति ने आक्रोश व्यक्त किया है। मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त एवं विशेष पदाधिकारी से मिलकर इस निर्माण कार्य का विरोध किया। चुनाव की घोषणा होने के बाद हर पार्टी अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहा है। ऐसे में एक शख्स को निमंत्रण कार्ड के जरिए वोट मांगना भारी पड़ गया। यह मामला रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड के बड़कीपोना गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने अपने गृह प्रवेश के कार्ड में एक नेता के लिए वोट मांगा है। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। चतरा में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने चुनाव में पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए शक्तिशाली बम को बरामद किया है। कुंदा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कुजराम जंगल से 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद किया गया है। पूर्व मंत्री जोबा मांझी ने रांची में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर नेताद्वय के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु हमारे पिता समान हैं और उनका आशीर्वाद मिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची, धनबाद और गोड्डा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम लगभग तय, पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा होना बाकी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कोडरमा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं में भरा जोश, उम्मीदवारों की जीत के दिए कई टिप्स। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल, राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत का किया दावा।
और चैती छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया जाएगा अर्घ्य। झारखंड समेत देश भर में मनाया गया वैसाखी का त्योहार।